गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए मेरा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। मतलब सभी तीनों प्रश्नों का एलसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। देखिए हम पहला क्वेश्चन बनाए हैं 135 और 225। सबसे पहले क्या किया है, ये दोनों का मौसा पता किए एचसीएफ। देखिए भाग विधि से ऐसे मौसा करना है, मौसा करने के लिए तीन बार भाग लगाना पड़ा तो मौसा आ गया 45। अब देखिए जो ये तो आप भाग विधि कर दिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप नहीं लिखे हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर ऊपर भी आप लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ऐसे ऊपर लिख दीजिए। देखिए यहां पे लिख रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आप लोगों को बताया गया होगा यहाँ ए होता है, बी होता है, क्यू होता है, आर होता है। तो इसी की मदद से हम लोगों ने ए वाला चीज को कि पहले ए है, बी है, क्यू है, आर है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी में से मिला के फिर दूसरा का भाग लगा तो ए है, बी है, क्यू है, आर है, ए बराबर, एक मिनट दूसरा का यहाँ हाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तीसरा का बार भाग लगा तो ए है, बी है, क्यू है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और भाग तब तक लगाते जाना है जब तक इसे जीरो। अब देख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए आर के वहां जीरो आ गया, लेकिन चूंकि आर जीरो हो गया है इसलिए जो बी रहेगा वही 900 हो जाएगा, तो बी के काम 45 कर गया, इसलिए 900 बराबर 45। देख लीजिए पहला क्वेश्चन है और 28,230 146 और 38,220 इसका मौसम निकालना है जितनी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। सबसे पहले हम लोग अपना विभाजन कर लेंगे, 196 से भाग लगा देंगे 38,220 में। चलिए भाग कितना बार मिलेगा, एक बार, 176 में से 9 गया 8, 186 ऊपर से उतारेंगे शायद भाग लगेगा 9, 9×6=54, 5, 9, 81, 86, 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
छ पाँच तीस की जीरो हासिल, तीन नौ पाँच पैंतालीस तीन अड़तालीस की आठ हासिल, चार नौ एक नौ पाँच एक पाँच पाँच एक पाँच अच्छा देख लीजिए तो पूरा प्रॉब्लम। पहले आपको भार लगाना जब शेष बच जाएगा तब ऐसे करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसे करने की जरूरत नहीं, शेष को बच के आप दबा दीजिए जीरो। तो देख लीजिए अब इसको यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके लिखेंगे। बताइए भाग कितना बार हुआ है, एक बार। तो जब भाग एक बार हुआ है तो यूक्लिड विभाजन परिमेय भी लगेगा एक बार। चलिए तो यूक्लिड विभाजन पहले परिमेय लिख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस ए के जगह पे 38,220 बराबर बी के जगह पे 196 गुने क्यू के जगह पे 195 प्लस आर के जगह पे 0 लिख देंगे, चूंकि आर बराबर 0, आर बराबर 0 इसलिए 900 बराबर हो जाएगा बी, और बी के काम कर रहा है 196, तो फाइनल आंसर 196। देख लीजिए कितना सिंपल है, और हर एक साल ऐसे क्वेश्चन आता है, इस बार भी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोगों को देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 867225 867 255 अभी हमको लगा कि कुछ क्वेश्चन में गलत सोच रहे हैं। 867 255 867 और
255। तो यहाँ पे 867 से 255 में भाग नहीं लगाना है, 255 से 867 में पहले हम भाग लगाएंगे, 255 से भाग लगाएंगे 867। चलिए देखिए कितना बार है, 3, 4, 3 बार, 5, 15, 5, 8। आप कैसे भी भाग लगा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना सोच के जल्दी भाग लगा रहे हैं, 5, 15, 5, 16, 17, 7, 5, 0, 1, 0 भाग लगाएंगे 255। थोड़ा छोटा बनाएंगे, 2 बार में 200। आगे बढ़ते हैं, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 0 गया 5, और एक कट जाएगा, भाग लगा देंगे 102, 2 बार में 100 कट, भाग लगाया 1 बार 2 बार। इसका मतलब युक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग भी होगा 3। चलिए तो फिर से वैसे ही करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस, सबसे पहला बार a इक्वल है, b है, q है, r, क्या है सब। आप लोगों को मैं पहला क्वेश्चन में बता दिया कैसे करना है, आप लोग तो आसानी से समझ लीजिएगा। a की जगह पे लिखेंगे 867 बराबर b के जगह पे लिखेंगे 255, एक मिनट गुना होगा, q के जगह पे लिखेंगे 3 प्लस r के जगह पे 100, r का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब ये डिवाइडर और लगेगा, एक बार 255 ये वाला हो गया, उसको भूल जाइए, ये बताओ 255 बराबर 102 प्लस एस आ गया 51। अब करेंगे फिर से भाग लगा 102 में 102 बराबर 51 2 प्लस 0, देख लीजिए शेष आपका बच गया 0, लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0 आ गया, इसलिए जो मौसम होगा हमारा बी, मौसम बी हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि मौसम बराबर। यहाँ तक में हम लोगों ने टोटल पहला के जो 3 प्रश्न थे तीनों प्रश्न को देख लिए, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लाते हैं, सेकंड करें दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम के लिए, जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, और 6q+1, 6q+3, और 6q+5 के रूप का होता है। यही हमको दर्शाना है और क्वेश्चन कर दिया है कि q जहां पर कोई एक पूर्णांक है, पूर्णांक प्लस माइनस कोई भी संख्या हो सकती है। इसी को हम लोग सिद्ध कर रहा है कि कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा यही सब होगा विषम। चलिए तो देखिए सबसे पहले इसमें देख लीजिए 6q+1, 6q+3, 6q+1 ही है, 3 है, 6q+5 है। तो देखिए हम इसमें से किसी एक को पहले लिख लेते हैं, किसी एक को लिखिए 6q देख रहे हैं, इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हम लोगों के लिए जैसे a बराबर bq प्लस r जो होता है, a बराबर bq प्लस, तो ये bq प्लस r आपका लिखा हुआ है 6q प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको b का मान पकड़ लेना है, b का मान कितना है 6, लिख देंगे इससे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से आप लोगों को समझने के लिए मैं बता दिया कि b का मान 6 का लिख देंगे, चूंकि b बराबर 6, तो जब b बराबर 6 है, एक बात मैंने आप लोगों को बताया होगा पहले कि जब भाग जिससे लगाते हैं, मान लीजिए 5 से भाग लगाते हैं, उससे हमेशा 5 से कम आएगा, 4 आएगा, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं, यही सबसे सही।
ये कन्फर्म है। अब बात को समझिए, जब b के मान 6 है तो इसके आधार पर r के मान बता सकते हैं 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तक हो सकता है। इसे तो हम लोगों को नहीं देखना है। जब b का मान 6 होगा तो r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। अब देखिए हमको q का मान q ही लेकर चल के देख लेंगे, या q के मान आप कुछ और भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एक बार हम ले लेते हैं r बराबर 0 और b बराबर 6 से, r बराबर 0 और b बराबर 6, इसको लिख चलते हैं। हम लोगों का फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस a के a बराबर b, b के जगह पे लिखेंगे 6 गुने q के q प्लस r के जगह पे 0। अब देखिए जब हम q के जगह पर, ध्यान दीजिएगा ये समझने वाली बात है, यदि हम q के जगह पर कोई संख्या सोचे, पूर्णांक संख्या, q पूर्णांक है, एक सोचिए, दो सोचिए, अगर एक सोचिएगा तो 6 में 0 जुटेगा 6, दो सोचिएगा 6 दो नहीं 12, बीच में गुना है 12 में 0 जुटेगा 12, मतलब सम, तो इसके नीचे आपको लिख देना है सम, 6q प्लस 0 जो हो गया वो क्या है, सम संख्या। चलिए जीरो के लिए हम लोगों ने कर दिया, अब एक के लिए करेंगे r बराबर 1 और b बराबर 6, b बराबर 6 के लिए फॉर्मूला a बराबर bq प्लस a के बराबर b के जगह पे 6q प्लस r के जगह पे 5। अब इसमें सोचिए q के जगह पे कोई भी संख्या, तो ज्यादा बड़ी संख्या मत सोचिए, आप कोई भी संख्या सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या सोचिए, अगर एक सोचेंगे तो 6 × 6 = 20, दो सोचेंगे 6 × 12 = 13, मतलब 6q + 1 हमेशा 20 संख्या। फिर चलिए एक बार और कर लेते हैं r बराबर 2 के लिए, r बराबर 2 और b बराबर 6, इस पे आपको चलना है, देखिए ऐसे ऊपर ही होता है, नीचे हम लोगों को एक एक करके लेके चलना है। तो a बराबर bq + r, a बराबर 6q + r की जगह पे 2, फिर क्यू के जगह पर कोई संख्या सोचिए, एक सोच लेते हैं, सोच लेते हैं, तीन सोचने का माने तीन सोचिए, क्यू से तीन, छ में तीन से गुना से 63 नहीं हो जाएगा, बीच में गुना का चिन्ह होता है, छ दिया 18 × 20 सम, ये आपका कौन सा रूपता होगा, सम रूपता होगा। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, आर बराबर 2 तक देख लिए 3 और बी बराबर 6, सभी को देख लेते हैं, तो a बराबर फॉर्मूला होता है bq प्लस 6q प्लस r के जगह पे 3, सोचिए q के जगह फिर से ना 1, तो 6 × 3 = 20, दो सोचिएगा 12 × 3 = 20, इसका मतलब हमेशा ही 20 को चिंता होगा। आगे देखिए फिर से नीचे और लिखेंगे, कैलकुलेशन एकदम फ्रेश होना चाहिए तभी एग्जाम में आपको आपका नंबर अच्छा है। अब देखिए r बराबर हमने 0 ले लिया, 1 2 3 तक ले लिए 4, r बराबर 6 और b बराबर कब का 6 ही रहेगा, तो a बराबर bq प्लस 6q प्लस 4, सोचिए क्या आएगा, 6 एक मान लेते हैं, 1 6 1 6 4 10 सम, दो मानिए माइनस में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 × 12 = 12, क्यू के लिए कहा गया था क्वेश्चन में ही पूर्णांक है तो कोई भी संख्या मान, लेकिन धनात्मक कर रहा, देखिए धनात्मक ही प्लस में मानिए, 3 मानिएगा 18 + 4 = 10, मतलब ये मिसेस है। चलिए आगे बढ़िए, एक बार और, r बराबर 5 और b बराबर 6, a बराबर bq प्लस r, a बराबर 6q प्लस r के जगह पे 5, q के जगह पे आपको सोचना है, सोचिए सोच के इसको सम ही समझते हैं, क्यू के जगह पर अगर एक सोचेंगे तो 6 × 5 ही आओगे, संतुलित। चलिए अब देख सकते हैं कौन कौन पे विषम आया, कौन कौन पे सम, 6q + 1 = 6q + 1 ये वाला 6q + 3 = 6q + 1 कह देंगे इसे, इसे किसी पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए, किसी
धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए, क्यू के लिए 6Q+1 6Q+3 और 6Q+5 विषम के रूप का, विषम के रूप का यही आपका प्रश्न। देखिए हम साइड में जाते हैं, हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे था, मतलब ये ऐसे आगे बढ़े, इसके बाद इतना अगर हो गया होगा तो फिर ये बढ़ेगा नीचे ऐसे। चलिए और बाकी भी अगर जो भी प्रश्न बना है इसमें अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन था पहला का तीसरा, पहला का था तीसरा, ये जो प्रश्न था पहला का और इससे पहले वाला जो प्रश्न था पहला का। तो इस वीडियो में हम पहला और दूसरा क्वेश्चन को बता दिए। अब देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में फिर तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए तो थैंक यू।